हाय वेलकम। कंप्यूटर साइंस की मेरी इस सीरीज़ में आज के लेक्चर का टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो कि कई बार अपीयर करती है, कई केसेस में उसके बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि अगर आपको एन चीज़ें दी हुई हैं तो उन्हें आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से लेकर बड़े ऑर्डर में, बेसिकली बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर मैथमेटिकली देखें तो इसका मतलब इतना सा है बस कि अगर आपको चीज़ें दी हुई हैं A1, A2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये और तो आपको इन्हें इस तरह रीअरेंज करना है, इनका एक परम्यूटेशन निकालना है कि A1 प्राइम सबसे छोटा हो, वो सबसे पहले आए, उससे बड़ा नंबर उसके बाद, सो ऑन एंड सो फोर्थ, An प्राइम अरेंज हो जाए। अगर मैं कंक्रीट एग्जांपल की बात करूँ तो सपोज़ एन पाँच है, यानी मेरे पास पाँच एलिमेंट हैं, और पाँच एलिमेंट हैं मान लो 23, 42, 7, -5 और 1, तो सबसे छोटा नंबर -5 सबसे पहले आए, उससे बड़ा नंबर 1 उसके बाद आए, उसके बाद बड़ा नंबर 7, उससे बड़ा 23 और फाइनली सबसे बड़ा नंबर 42। तो इनपुट अगर ये होगा तो आउटपुट ये आना चाहिए। इतनी सी प्रॉब्लम है सॉर्टिंग की। एक बात क्लियर नोट जो आप करें वो ये है कि हालांकि मैंने एग्जांपल नंबरों से लिया है, हम केवल नंबर ही नहीं कोई भी ऐसी लिस्ट सॉर्ट कर सकते हैं जिसमें कि जो एलिमेंट्स हों वो आपस में एक दूसरे से कंपेरेबल हों, मतलब आप दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सको कि ये छोटा है और ये बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्ट्रिंग दी हुई है 2012 जनवरी 1 और आपको दिया हुआ है 2012 मार्च 2 और आपको दिया हुआ है साहब 2009 1 जनवरी, तो आप अगर इसे सॉर्ट करोगे तो सबसे पहली वाली डेट सबसे छोटी है अगर, तो 2001 9 जनवरी पहले आएगा, फिर आएगा 2012 जनवरी और उससे बड़ा 2012 मार्च, समझ रहे हो। तो किसी भी चीज़ों को आप सॉर्ट कर सकते हो बशर्ते वो कंपेरेबल होनी चाहिए। अच्छा, सॉर्टिंग हम क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन ये है। सॉर्टिंग के कई प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, ये कंसिडर करो, सपोज़ कोई एग्ज़ाम होता है, मान लो इंडिया में IIT का एग्ज़ाम होता है, 1 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें मान लो, तो जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा सबके मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर हमें ये पता करना होगा ना कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया और लास्ट कौन आया। तो इस प्रॉब्लम का आंसर करने के लिए आपको सबको इस तरह अरेंज करना होगा कि सबसे बड़े सबसे पहले आए, सबसे उससे छोटा उससे पहले आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उससे सबसे कम नंबर जिसके हैं वो एंड में आए। इस केस में भी प्रॉब्लम वही है, लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो गया, मतलब बढ़ते हुए की जगह आपको घटते हुए में ऑर्डर करना है, पर वो एक ही बात है। तो ये एक सॉर्टिंग का एग्जाम्पल है। और फेमिलियर चीज़ देखें तो मान लो फेसबुक है, फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो तो आपको ये न्यूज़ फीड आती है, तो न्यूज़ फीड हमेशा इस तरह सॉर्टेड होती है कि जो सबसे फ्रेश चीज़ है, सबसे फ्रेश फीड है वो ऊपर आती है और जो पुरानी हो गई है एक दिन पुरानी वो एंड में आती है। तो जो फीड आपको दिखाता है वो कैसे दिखाता है, वो ये देखता है कि भाई टाइम स्टैम्प क्या था, जैसा कि एग्जाम्पल अभी अभी हमने किया, इसी तरह फेसबुक की हर फीड पे मैं जब कुछ पोस्ट करता हूँ कि भाई आई एम हैप्पी, मान लो मैं पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे, तो फेसबुक में क्या होता है कि वो इस पोस्ट को लेता है और अपने अंदर डेटाबेस में स्टोर कर लेता है और बोल देता है कि मार्च 4 2013 को शाम को 7 बजे ये पोस्ट हुआ है, ऐसे स्टोर कर लेता है। फिर आप लॉग इन करते हो, आप मेरे दोस्त हो, तो फिर वो आपसे रिलेटेड सारे फ्रेंड्स की फीड पड़ता है और उसमें जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट होती है, मान लो मेरी ट्वीट सबसे ज़्यादा न्यू है तो सबसे न्यू जो होगी वो दिखा देगा, और इस तरह सॉर्टेड करके ओल्ड सबसे एंड में दिखाएगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब आप गूगल को सर्च करते हो, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, मान लो आपने सर्च किया कि साहब मुझे ताजमहल के बारे में जानना है, तो वो चाहे तो कोई भी रिज़ल्ट आपको दिखा सकता है, लेकिन गूगल ऐसा नहीं करता।
वरना वो बिल्कुल यूजलेस वेबसाइट होती। गूगल ये देखता है कि अगर आपने ताजमहल सर्च किया है, तो अपने डेटाबेस में जाकर देखता है कि इस क्वेरी के बदले में कौन कौन से वेबसाइट इस यूज़र को मैं दिखाऊं जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल हों। तो वो ये देखता है कि भाई 0.9 चांस है कि ताजमहल का विकिपीडिया पेज शायद इंसान सर्च करना चाहता है, या फिर 0.8 चांस है कि ताजमहल के बारे में और कोई बहुत बड़ी वेबसाइट दिखा रहा है, और 0.001 चांस है कि कोई और रैंडम जो है ताजमहल टूरिज्म की कोई वेबसाइट है जो कि कोई टूरिज्म चलाता है मान लो आगरा में। तो गूगल बेसिकली इस ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में आपको रिजल्ट दिखाता है, जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट रिजल्ट है वो ऊपर आते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है सॉर्टिंग का। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे भाई, इस लेक्चर में हम सिंपली ये देखेंगे कि एल्गोरिथम कौन कौन से हैं सॉर्टिंग करने के, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, और उनको डिस्कस करेंगे। हम मेनली तीन एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे। पहला होगा इंसर्शन सॉर्ट, दूसरा होगा क्विक सॉर्ट, और तीसरा एक एल्गोरिथम होगा मर्ज सॉर्ट। इन तीनों सॉर्टों में ये सॉर्ट लिखना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, पर ये बैड एल्गोरिथम है। क्विक सॉर्ट समझना थोड़ा मुश्किल है और लिखना, इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है। मर्ज सॉर्ट भी इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरिजन टू इंसर्शन सॉर्ट, लेकिन ये गुड एल्गोरिथम है। अगर आपने एल्गोरिथम वाला लेक्चर देखा होगा तो गुड एल्गोरिथम्स वो होती हैं जो कि या तो कम मेमोरी लें या फिर कम टाइम लें। तो ये दोनों एल्गोरिथम्स बहुत कम टाइम लेंगी जब आप बहुत सारे नंबर सॉर्ट करना चाहते हो। मान लो आप 1 मिलियन नंबर सॉर्ट करना चाहते हो या 1 मिलियन चीज़ें सॉर्ट करना चाहते हो, तो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट काफ़ी कम समय लेंगी कंपैरिजन टू इंसर्शन सॉर्ट। अगर आपके पास बहुत छोटे एलिमेंट है, 4-5 एलिमेंट है, तो इंसर्शन सॉर्ट काफ़ी अच्छा काम करता है, पर बड़े चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम तीनों को आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कैसे बड़े लिस्ट पर ये अच्छा काम नहीं करता और ये अच्छा काम करता है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस। आप आने वाले लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक यू। हम इंसर्शन सॉर्ट अगला टॉपिक है।